जी हेलो एंड वेलकम टू द न्यूरो एनाटॉमी सीरीज़। इसमें बेसिकली वही हम सेक्शंस का जो एक निमोनिक की जो सीरीज़ है उसको बेसिकली हम लेके चल रहे हैं। आज के दो सेक्शंस हैं वो एक मेडुला ऑब्लिगेटा के लेवल पे ही हैं, लेकिन उनके दो डीकर सेशंस के जो लेवल्स हैं वो बेसिकली दो डिफरेंट हैं। एक ओलिवरी न्यूक्लियस के लेवल पे और एक जस्ट इन्फीरियर टू पॉन्स। मेडुला ऑब्लिगेटा से जस्ट ऊपर पॉन्स और देन मिड ब्रेन होता है। अच्छा एक बात समझ लें, जो हमारे सेरिबेलम है उसके लेवल पे हमारे पास जो है वो क्रेनियल नंबर 1 और 2 नर्व होंगी। इसी तरह अगर हम उसे नीचे आए मिड ब्रेन के लेवल पे तो 3-4 होंगी, और अगर उससे भी नीचे आए पॉन्स के लेवल पे तो हमारे पास आएंगी 5 to 8। एंड जो मिडोला ऑब्लिगेटा है वहाँ पे होंगी आपके पास 9 to 12। ये चीज़ याद रखनी है जब आप सेक्शन ड्रा करेंगे। अगर आप नाम याद रख लेते हैं तो आपकी जो नर्व्स हैं ये याद रखना काफ़ी ईजी हो जाएंगे कि इस नर्व इस सेक्शन में आएगी। ठीक है जी, अब ज़रा हम कहानी पे समझते हैं। आपने बेसिकली एक भालू ड्रा करना होता है इस इन सेक्शन में। कैसे ड्रा करना है, एक सीधी सी लाइन ड्रा करें इस तरह से कुछ। आपने ये दोनों में सेम होगा, एक भालू ड्रा करना है, उसकी दो कान बना दिए, उसको ताज पहना दिया आपने, ये दो बल देने हैं ताज के, ताज पहना दिए। उसका नाक बनाया आपने एक लंबा सा करके, उसके 3 टुकड़े कर दिए और उसको फिलअप कर दिया। ठीक है, ये एक बेसिक सा बना रहा हूँ। अब जब आपने ये सब कुछ कर दिया उसके बाद आपने ताज के ऊपर मोती भी तो लगाने हैं। आपने 2 मोती लगाए दोनों साइडों पे। कान बनाए थे, कान में इयर रिंग्स डाल दें। इयर रिंग्स के आगे तो आपको पता है थोड़ा बहुत वो सामान लगा हुआ होता है, तो वो थोड़ा सा आपने यहाँ पर। अब आपने 3 इसके टुकड़े किए नाक में, तो यहाँ पे तो नोस्ट्रिल्स हो गए, यहाँ पे वो नोस्पिन हो गई, और यहाँ पे आप समझ लें कि वो दाना सा निकला हुआ है उसके। 3 ये इस तरह के बड़े बड़े आप बनाएंगे। आप साइज़ का थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा जब हम फिग में आएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे एक ना लाइन सी आती है, ये नहीं आता, ये लाइन सी आती है छोटी सी, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो आपको मैं निमोनिक बताऊँगा उसके हिसाब से आपने यहाँ पे सर्कल्स ड्रा करने हैं। इसमें कॉमन सर्कल्स ये 2 तो है ही हैं, उसके साथ साथ आपने कुछ और भी ड्रा करने हैं। सपोज मैं आपको बताऊँगा निमोनिक के हिसाब से कि इन्फीरियर किस में आएगा, मीडियल किस में आएगा, और इसी तरह एंटीरियर पोस्टीरियर किस में आएगा। लेकिन आपने यहाँ पे एक ये चीज़ लाजमी ड्रा करनी है, जो इस भालू की 2 आँखें। ठीक हो गया, अब ये हो गया, अब भालू का नोज़ हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिप्स ड्रा किए, लिप्स को अंदर से थोड़ा सा डार्कन किया क्योंकि अंदर वाला कलर थोड़ा सा डार्कन होता है दोनों तरफ। ये चीज़ हो गई आपकी। देन इस जगह पे जो एयर पिंस है थोड़ा सा एयर पिंस को भी लंबा कर दें। डेट सेट, आपने एक भालू बनाया सिंपल सी शेप, उसके 2 कान बनाए, एयर पिंस डाले, एयर पिंस को थोड़ा सा लंबा किया, 2 होंट बनाए, एक नाक बनाया, नाक के 3 टुकड़े किया, तीनों टुकड़ों के साथ आपने कुछ ना कुछ लगाते जाना और एक ताज पहना दिया। डेट सेट, अब हम देखते हैं निमोनिक। ये आपने सारे का सारा देख लेना है, डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ। निमोनिक क्या है, आपने लिखना है वाओ हाय वाय, वी फॉर वेगस, ए फॉर आर्कुएट न्यूक्लियाई, ओ फॉर ओलिवरी न्यूक्लियस, एच वाई फॉर हाइपोग्लेसियल, एंड वी वाई फॉर वेस्टिब्यू कोक्लियर। अब याद कैसे रखना है आपने, आपने वेगस के 3 न्यूक्लियस याद रख लेने हैं। कौन कौन से, डोर्सल वेगल न्यूक्लियस, ट्रैक्टर सोलिटेरियस और अम्बाइगस न्यूक्लियस। डोर्सल और ट्रैक्टर दोनों डार्क में होंगे और जो सोलिटेरियस है वो एम्प्टी होगा, वाइट में होगा, ये याद रखना है। ये गलती नहीं करनी, सारे फिलअप नहीं करने, लाइक इसको आपने ऐसे बना देना है, इसको थोड़ा सा डार्कन करना है ऐसे। ठीक है, क्योंकि अम्बाइगस का नाम ही और नाइग्रा का नाम ही उसके डार्कनेस की वजह से होता है। ओलिवरी न्यूक्लियस भी 3 है, कौन से, एक मीडियल है, एक डोर्सल है, एक इन्फीरियर। एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस का वर्ड सबके साथ आएगा, मीडियल डोर्सल इन्फीरियर, ये भी हो गया। इस तरह से आपने नाम याद रख लिए, बेसिक हैंडिंग याद है, ये आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। उसके बाद हाइपोग्लोसल नर्व और इसके साथ इसका आ जाएगा न्यूक्लियाई। ठीक हो गया, वेस्टिब्यूल कोक्लियर, अब ये कैसे याद रखना है, वेस्टिब्यूल कोक्लियर हमारे इसके जो हमने कान बनाए थे ना उसके आगे पीछे होंगे, तो आपने याद रखना है वेस्टिब्यूल और कोक्लियर। कोक्लियर फॉर एयर होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर होंगे दोनों में, राइट और लेफ्ट जो दोनों बने हुए हैं दोनों में सेम होंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है आपके पॉन्स का, जो इन्फीरियर पॉन्स है और जो ओलिवरी, यहाँ पे इनमें भी मीडियल तो सेम होंगे लेकिन डिफरेंस आएगा इन दोनों में। जो होगा हमारा एट द लेवल ऑफ ओलिवरी न्यूक्लियस, वहाँ पे मीडियल प्लस इन्फीरियर है और यहाँ पे मीडियल प्लस लैटरल। आप इसको कैसे याद रखें, इसको MI की फॉर्म में याद रख लें, इसको ML की फॉर्म में याद रख लें। डेट सेट, ये आपका निमोनिक वाओ हाई वाई। डेट सेट,
अब आपको मैं पूरा करवा देता हूँ कैसे। पहले मैंने बोला था वेगस जो है उसके तीन पूरे करने, ये देखें एक दो और ये तीन, कौन कौन से होंगे। पहले आपने डोर्सल ड्रा किया, देन आपने ये वाला जो है आपके पास दूसरे वाला था ट्रैक्टर सोलिटेरियस और अब न्यूक्लियस अम्बाइगस, इन तीनों ने मिलके वेगस बनाई, ये वेगस नर्व बन गई। ओके देन मैंने कहा था ताज, इसको हमने फोर्थ वेंट्रिकल कह देना है। ये जो बिल्कुल पहले दो मोती लगाए थे हमने, ये पहले मोती को हाइपोग्लोसल न्यूक्लियाई और इसकी नर्व को हमने हाइपोग्लोसल नर्व कह देना है। ऊपर वाले को हमने न्यूक्लियस गिना था, डोर्सल वेगल न्यूक्लियस जो इसने साथ मिलकर बनाना है नर्व को वेगस को, ठीक है जी। अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये न्यूक्लियस ज़रा से यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद मैंने बोला था आँखें होंगी, ये आँखें बनाई और ये एयर पिन बनाई। ये एक्चुअली में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ये वाली चीज़ें होंगी जो हमने आपको बताया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोकलियर, क्योंकि कान के पास है तो कोकलियर होगा। अब वेस्टिब्यूलर बच गए, अब वेस्टिब्यूलर मैंने बोला कि डिफरेंस होगा, पहले में हमने क्या है मीडियल लेटरल जो पॉन्स में और दूसरा जो है ओलिवरी वाले में मीडियल एंड इन्फीरियर। अब मीडियल एंड इन्फीरियर कैसे याद रखेंगे, जो मीडियल वन होगा वो थोड़ा सा मीडियल बनाएंगे आप, ओके ये वाला आपने थोड़ा मीडियल बनाना है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, और जो आपके पास दूसरा इन्फीरियर है वो थोड़ा सा आप नीचे की तरफ बनाएंगे यहाँ पे। तो अगर हम दोबारा जो मैंने आपको थोड़ा वेस्टिब्यूल कोक्लियर का क्लियर करवाना है, थोड़ा बुक से भी दिखा देता हूँ कि जो वेस्टिब्यूल कोक्लियर है उसके कोक्लियर के एंटीरियर पोस्टीरियर दो हैं, आपने वो कैसे ड्रा करने। ये आपका एंटीरियर हो गया, ठीक है, या ये वाला जो ब्लू में, और पोस्टीरियर जो है ये वाला जिसको मैंने आँख बोला था, सॉरी आँख से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट को उन्होंने कब बोला हुआ ये ऊपर। देन मैंने बोला कि जो ओलिवरी का है वहाँ पे MI का वर्ड यूज़ रखना है, वहाँ पे एक मीडियल बनाना है एक इन्फीरियर बनाना है। आपने जो मीडियल बनाना है वो थोड़ा सा मीडियल करके बनाना है, लाइक ये सब वाली साइड मीडियल होगी, इस तरह बनाना है, ठीक है, ये दिखाया हुआ ये वाला मीडियल है, और जो आपका MI है इन्फीरियर है वो थोड़ा सा नीचे बनाना है, ये वाला इन्फीरियर है इन्फीरियर वेस्टिब्यूल, यानी एक मीडियल बनाया एक थोड़ा सा इन्फीरियर बनाया, ठीक है। ऑपोजिट में क्या है, ऑपोजिट में एक एंटीरियर आ गया और एक पोस्टीरियर आ गया, डेड सेट। अब आपने एक ML का वर्ड याद रखा था मैंने आपको निमोनिक को, अब M में एक मीडियल बना दिया आपने, मीडियल ये वाली साइड है, ठीक है, दोनों तरफ हमने ये मीडियल लेना है, दोनों तरफ ये बनाने हैं, ठीक है, ऊपर भी, और एक रह जाएगा हमारे पास लेटरल वाला ML है, तो लेटरल आपने बिल्कुल लेटरल बनाना है, उसमें इन्फीरियर का लेवल थोड़ा सा मीडियल के साथ था, नीचे की तरफ था, यहाँ पे लेटरल कानों के साथ होगा, ये याद रखना है। उसके बाद आपने मैंने बोला हमारे ये वेस्टिब्यूल कोक्लियर पूरी हो गए, मीडियल इन्फीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर का पता चल गया, हाइपोग्लोसल का पता चल गया जो ताज में था, ताज में मतलब कि यहाँ वाला। उसके बाद आपने बता देना है ओलिवरी न्यूक्लियस, ओलिवरी न्यूक्लियस के तीन न्यूक्लियस बनाने हैं आपने, वो कैसे बनाने हैं, बेसिकली आपने जो नाक है उसके तीन टुकड़े किए थे, तीन में मैंने कहा था तीन डॉट बनाने। अब एक ये जो नॉस्ट्रियल मैंने बोला था इसको हमने कह देना है मीडियल, क्योंकि सबसे मीडियल पड़ा हुआ है, मीडियल एक्सेसरी न्यूक्लियस, ये वाला जो ऐसे लाइनिंग लाइनिंग से सिग्मॉइड से हैं इसको आपने डोर्सल एक्सेसरी, और ये वाला जो नोज पिन है इसको आपने कह देना है कि डोर्सल एक्सेसरी सॉरी इसको, और ये जो सिग्मॉइडल है इसे इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस कह देना है, ठीक हो गया। नाक को हमने तीन में डिवाइड किया था, तीन हिस्सों में, नाक आपने याद रखना है ये निमोनिक में नहीं है, वाओ हाईवाई में नहीं है, इसको आपने याद रखना है कि मीडियल लैटरल फेसिकुलस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला ML है, लेकिन ऊपर वाला F आएगा और दरमियान में टेक्टोस्पाइनल ट्रैक है, ठीक है, याद रखिएगा स्पाइनोथैलेमिक होगा सेंडिंग और टेक्टोस्पाइनल होगा डिसेंडिंग ट्रैक। अच्छा जी उसके बाद जस्ट हमने लिप्स के नाम याद रखने कि इन लिप्स को हमने पायरामिड कहना है, और जो लिप्स के अंदर वाले चीज़ है इसको आर्कोइड न्यूक्लियाई कहना है, जो कि हमारे निमोनिक में भी था ए फॉर आर्कोइड न्यूक्लियाई, ठीक हो गया। वेगस आपने पूरे किए, उसके तीन न्यूक्लियाई थे वो पूरे कर दिए, आर्कोइड पूरा कर दिया, ओलिवरी के तीन पूरे कर दिए, हाइपोग्लोसल का ये न्यूक्लियाई और देन उसके नर्व पूरे कर दिए। अब डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस इन दोनों में जस्ट एक ML और एक MI का है, और ये जो नर्व्स ड्रा की हुई हैं ये नर्व्स ड्रा नहीं नीचे वाले में करनी है आपने, जस्ट ये आपने याद रखना है, आपका फट से याद हो गया, तो ये सारे का सारा इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और एक मेन डिफरेंस जो एक मैंने बताना थोड़ा सा छूट गया है कि यहाँ पे कोई ट्रैक्टर सोलिटेरियस नहीं होगा, यहाँ पे था वेगस का, यहाँ पे नहीं होगा। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।